हेलो दोस्तों, मेरा नाम है वसंत चौहान। आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। ओके, देखो, पहले के ज़माने में ना गुरु शिष्य सब साथ में रहते थे। गुरुजी अपने शिष्य को हर रोज़ नई नई शिक्षा देते थे, शिष्य लोग उसकी सेवा करते थे, काम करते थे ऐसे कुछ आश्रम में, बराबर। तो एक हिमालय के अंदर एक ऐसा ही आश्रम था, वहाँ पे गुरु शिष्य 10-12 शिष्य थे, एक गुरुजी थे। तो वो हर सुबह ना अपने शिष्य को कुछ ना कुछ नया का नया कुछ ना कुछ सिखाते थे, और शिष्य के जो भी सवाल होते थे उसके गुरुजी सब आंसर देते थे। तो एक दिन की बात है, एक सुबह ना ऐसा ही पूरा सेशन चल रहा था कि गुरुजी सब शिष्य लोग को है ना पूरा समझाने को बैठे थे। तो एक शिष्य ने पूछा गुरुजी को कि गुरुजी एक सवाल पूछो। तो गुरुजी ने बोला, हाँ पूछो बिंदास। यह स्वर्ग क्या होता है, यह नर्क क्या होता है, वो आए कहाँ पे है, मेरे को वहाँ पे जाना है, वहाँ पे कैसा होता है, कैसा फील होता है वहाँ पे, मतलब ऐसा सवाल शिष्य ने गुरुजी को पूछा। ये स्वर्ग क्या है, ये नर्क क्या है, वो कैसा होता है, वहाँ पे क्या होता है, सब चीज़। तो बाद में गुरुजी ने सोचा श्याणा बन रहा है, इसको जवाब देना ही पड़ेगा। गुरुजी ने सीधा साफ साफ ऐसा बोला, देखना है, अभी देखना है। वो बोला, हाँ देखना है ना, एक काम कर, आँख बंद कर, यहाँ पे आ जा, पहले साइड में आ जा मेरे पास बैठ। तो उसके बाद शिष्य ने आँख बंद कर दी। उसके बाद में गुरुजी ने बोला, देख मैं 1, 2, 3 गिनूंगा, उसके बाद में मैं जो भी बोलूंगा ना वो तू ध्यान से सुनना, और जो भी मैं करने को बोलूँ वो चीज़ तू करना। वो बोला ओके। बाद में गुरुजी ने बोला, देख अभी तूने आँख बंद किया ना, अभी 2 मिनट के अंदर ना स्वर्ग दिखेगा तेरे को। 1, 2, 3 चल देख, स्वर्ग दिख रहा है तुझे, देख उसको ध्यान से देख। वो आँख बंद करके चुपचाप देख रहा है, ओके। और उसके 1 मिनट के बाद फटाक से गुरुजी ने बोला, अभी तेरे को है ना स्वर्ग भाग जाएगा, अभी नर्क दिखेगा, 1, 2, 3 चल, अब तेरे को नर्क दिख रहा है। उसकी तो आंखें बंद है, अभी कुछ बोल नहीं रहा, वो सिर्फ देख ही रहा है। और गुरुजी बोल रहे हैं कि अभी तेरे को नर्क दिख रहा है, तो तू नर्क को देख, ओके। और वो देख रहा है। बाद में ना 2 मिनट में ये प्रोसेस पूरी ख़त्म हो गई। बाद में गुरुजी ने बोला, अब तू तेरी आँखें खोल। वो शिष्य ने अपनी आँखें खोली। बाद में गुरु ने सवाल पूछा, क्या दिखा तुझे, स्वर्ग और नर्क में अंतर क्या है, कहाँ पे है, क्या होता है, कुछ पता चला? शिष्य क्या बोला, पहले तो ऐसा माथा गुजा, दिखा तो कुछ नहीं, अंधेरा अंधेरा दिख रहा था सिर्फ। मेरे को लगा कि स्वर्ग के अंदर तो परियां होंगी, वहाँ पे बड़े बड़े महल होंगे, हीरे जवेरात होंगे, अलग अलग पकवान होंगे, मैं खाऊंगा, ये सब चीज़ें करूँगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। नर्क में मैंने ऐसा सोचा था कि वहाँ पे यमराज होंगे, वहाँ पे मार रहे होंगे सबको, वो गरम गरम तेल के अंदर किसी को तल रहे होंगे, सब सजा दे रहे होंगे, पर वहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं था। तो मेरी एक्सपेक्टेशंस से कुछ भी नहीं दिखने को मिला, सिर्फ अंधेरा था, आँख बंद की सिर्फ काला काला दिख रहा था सिर्फ, उसके बाद में तो दिख ही नहीं रहा। तो क्या टाइम पास किया गुरुजी आपने? बाद में गुरु ने शांति से बोला, देख तूने क्या दिमाग में सोचा था कि तेरे को स्वर्ग के अंदर परियां मिलेगी, ये चीज़ें मिलेंगी, वो चीज़ें मिलेगी, ओके। तूने नर्क में अंदर देखा कि तेरे को वहाँ पे यमराज मिलेगा, ये हो रहा होगा, वो हो रहा होगा, वो तेरे दिमाग का जो भी पैदा किया हुआ सब भ्रम है, वो तू पहले से सुनता आ रहा है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ है, तो तेरे को लग रहा है कि वहाँ पे ऐसी चीज़ है। अगर ये सब चीज़ है तू यहाँ से वहाँ पे उठा के लेके जाएगा ना, तो तेरे को वो चीज़ मिलेगी। शॉर्ट में अगर मैं समझाऊँ ना, तो तू जो अंदर है ना वो तू बाहर दिखेगा। अगर तेरे को लग रहा है कि वहाँ पे परिया है, तो यहाँ से तू परिया ले जा, तेरे को वहाँ पे परिया दिखेगी। अगर तेरे को लग रहा है कि तूने पूरी ज़िंदगी गलत काम किया, झूठ बोला, तेरे को नर्क ही नसीब होगा, तो तू यहाँ से ही तैयारी कर लेगा नर्क की, तो तेरे को वहाँ पे जाके नर्क ही मिलेगा। तू तेरे अंदर जो भी है ना वो तेरे को बाहर मिलेगा, वो तेरे को ऊपर मिलेगा। क्लियर सा पॉइंट है, सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ। तू जो अंदर है वो तू बाहर है। अगर तेरे अंदर लाइट होगी, तेरे अंदर प्रकाश होगा, तो तू बाहर से चमकेगा। अगर तेरे अंदर ही अंदर से अंदर होगा, तो बाहर से तू कुछ चमकेगा नहीं, सिर्फ ऐसा ही तू नेगेटिव ही रहेगा, ऐसा अंधेरा अंधेरा जैसा ही तू पूरा डाउन ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? तो जो कुछ भी, जो नर्क स्वर्ग जो कुछ भी छुपा हुआ है ना, वो सब हमारे अंदर छुपा हुआ है, ओके। अगर हम अंदर से ही स्वर्ग बना देना अपनी लाइफ को, तो बाहर से पूरी लाइफ हमको स्वर्ग ही दिखेगी। और अगर हम अंदर से अपनी लाइफ को नर्क बना देना, तो जितना भी मेहनत करो, जितना भी मेरे वीडियोस देखो, या जितनी भी बुक्स पढ़ो, या जितना भी भगवान को मानो, कुछ भी असर नहीं होगा। तो जो भी करना है ना, सबसे पहले अपने अंदर को चेंज करो, नहीं बाहर को, किसी को चेंज करने की नहीं ज़रूरत, नहीं दुनिया को चेंज करने की नहीं ज़रूरत, सिर्फ अपने आप को चेंज कर लो, बेड़ा पार हो जाएगा आपका। तो आई होप कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर।